पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता फराह खान ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। सर, आज प्रधानमंत्री अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें से एक प्रदर्शनी है, तो इसके बारे में बताइए। हम लोगों ने लगभग उनकी 69 बातों को यहाँ एग्जीबिशन में रखा है और ये 69 वो बातें हैं जो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे गरीब घर में पैदा हुए लेकिन देश के गरीबों को सम्मान से जीने का अवसर दे दिया। वो जब जहाँ पैदा चाय बेचते थे लेकिन वो पूरे देश को समझा दिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। वो सेना का सम्मान करते हुए जब चाय बेचते थे तो चाय का पैसा भी नहीं लेते थे, सेना का कोई मिल गया। आज वो सेना के लिए जो कर रहे हैं, देश के गौरव के लिए, संस्कार के लिए, विज्ञान के लिए, नदियों के लिए, गांव की पहचान के लिए, हेल्थ के सेक्टर में गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, वैश्विक के पर्यावरण के लिए जितना कुछ किया है, ये छोटी सी प्रदर्शनी आपको दिखा देगी और आप जो भी आएंगे यहाँ पे वो ऊर्जा से भर जाएंगे। हरदीप पुरी जी ने आज इसका शुभारंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, हमने जो कोशिश की है उसको एक बार जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी में और दूसरे देश के नेताओं में क्या फर्क है। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, जिन्होंने बताया यहाँ की इस प्रदर्शनी के बारे में। और आप भी मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के पिक्चरों के तहत बयां किया गया है कि नरेंद्र मोदी का जीवन कैसा था और उन्होंने बचपन से लेकर अब तक क्या किया। ये प्रदर्शनी 23 सितंबर तक जारी रहेगी। मैं कैमरा पर्सन राहुल के साथ, मैं फराह खान, R9 TV दिल्ली।